ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। तो देखो ट्रांसफार्मर दिया आपको यहाँ पर, एक ट्रांसफार्मर इसके अंदर दो साइड हो गए, एक इनपुट साइड होगा प्राइमरी साइड और एक होगा सेकेंडरी साइड आउटपुट साइड। इसका वोल्टेज उसने कितना दिया है, प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड प्राइमरी पावर इनपुट पावर कितना दिया है 3 किलो वैट, मतलब 3000 वैट। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज IS कितना दिया है 6 एम्पियर एंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ES पूछा है एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इफ इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। चलो सॉल्व करते हैं। अभी देखो आपको प्राइमरी में वोल्टेज पता है, पावर पता है, करंट आप लोग निकाल सकते हैं बिकॉज पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो ये 3000 इज इक्वल टू 200 इंटू प्राइमरी करंट, 0 0 चला गया, IP का वैल्यू कितना है 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर वाला कोई ऑप्शन है क्या, 15 15 15 3, ये मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। बचा भी सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है। एक बार प्राइमरी वोल्टेज अगर तुम्हें पता चला, सेकेंडरी वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग इफिशियंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू इफिशियंसी कितना दिए 0.9। तो पी नॉट इज इक्वल टू 0.9 PI। पी नॉट कितना है देखो, ES इंटू IS, तो ES इंटू IS कितना 6, 0.9। इनपुट पावर कितना है वो तो डायरेक्टली दिया है 3000, तो ये कितना आ जाएगा, ES इज इक्वल टू 9 × 300 डिवाइडेड बाई 6, मतलब ये 3 × 2 6 होगा, ये 2 ये बस इतना ही जाएगा। तो ये क्या होगा, हाँ ये, अरे ये ऐसे जाने वाला है ना, 6 × 5 30 6 × 5 30, तो 50, और ये क्या है 450 वोल्ट। तो वोल्टेज है 450 वोल्ट, 15 एम्पियर, मतलब ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन, राइट।